कौन नहीं चाहता कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो? कौन बच्चा ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि मेरी हैंडराइटिंग सबसे सुंदर हो, क्लास के अंदर मैं हमेशा टॉप पे रहूँ? मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मेरी तो है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं या एक बेस्ट हैंडराइटिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने क्लासेस मेरी लगाई हुई है, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स की मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारे बच्चों की जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ख़राब है, ऐसी है कि आप उसको पढ़ भी नहीं सकते। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएँ ऐसी हैं जो आपको ये गाइड करेगी कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है तो आप इसमें अपना बेस्ट करियर बना सकते हैं। लेकिन आप ये बना सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जब टीचर बोर्ड पर लिख रहा होता है और वहाँ पर वो बच्चा उसकी कॉपी कर रहा होता है, तो वहाँ पर टीचर को नहीं पता कि वो क्या लिख रहा है। जब वो उसके पास आके उसकी नोटबुक चेक करता है, तब या तो उसको डांट पड़ती है कि ये आपने क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको उसमें टीचर का भी फॉल्ट होता है, जो कि उसको नहीं पता कि आप बच्चों का बेस क्लियर नहीं करवा रहे हैं। तो देखिए, वो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, आज अगर आपको लिखा हुआ समझ में आ रहा है, अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है, तो आपको उस वक्त तो समझ आ जाएगा, लेकिन आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आप वो ही बच्चा अगर आप अपनी हैंडराइटिंग को कुछ टाइम बाद देखते हैं, तो वो हैंडराइटिंग आपको भी समझ में नहीं आएगी कि उस वक्त आपने क्या लिखा था। तो इसके लिए हैंडराइटिंग पर, जैसे सभी चीज़ों पर आपकी कमांड होती है, वैसे हैंडराइटिंग भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को लेके बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि बच्चों की हैंडराइटिंग प्लीज़ इम्प्रूव करवाइए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत ही टाइमिंग भी आपको मैनेज करके रखा है कि आप अच्छे से अपना जो टाइम है वो हैंडराइटिंग को दे सकते हैं। देखिए, हैंडराइटिंग के तीन पार्ट हैं। हिंदी हैंडराइटिंग, वो अलग हो गया, दूसरा है इंग्लिश के अंदर। पहला आता है हमारा हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट, जिसके अंदर मान लीजिए आपके बच्चे की हैंडराइटिंग थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी और आपको इम्प्रूव करवानी है, तो वो हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के अंदर आता है। दूसरा है कर्सिव हैंडराइटिंग, जो कि बच्चों को स्कूलों में सिखाया जाता है, जो कि बच्चे नॉर्मली लिखते हैं। तीसरा है कैलीग्राफी, जो कि अडल्ट्स के लिए है, वैसे 6th 7th के बच्चे भी सीख सकते हैं, लेकिन वो तब सीख सकते हैं जब उनकी कर्सिव हैंडराइटिंग पर कमांड बेस्ट हो। अब आती है टाइमिंग की बारी। टाइमिंग मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, आपको शायद टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग ठीक लगे। तो टाइमिंग हमारी इसमें दो बैच हैं। पहला है, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और आप सैटरडे संडे ही ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका टाइमिंग है हमारा 5:30 to 6:15। दोनों बैच की क्लासेस जो हैं 45 मिनट्स की होंगी। दूसरा बैच है मंडे टू सैटरडे, जिसका टाइमिंग है हमारा 4:30 to 5:15। तो आप अच्छे तरीके से, बिल्कुल आई थिंक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये टाइमिंग, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। दूसरा, हमारी जो फीस है, फीस बहुत कम है, वो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बहुत ही कम फीस है जिसमें आप बहुत अच्छी हैंडराइटिंग सीख सकते हैं। और टाइमिंग की रही बात, तो आई थिंक समर कैंप से बेस्ट टाइम आपके लिए शायद नहीं हो सकता, जो स्कूल के बच्चे हैं। बाकी जो और भी जो बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, शायद उनके लिए भी ये टाइम जो है उससे बेस्ट टाइमिंग और शायद नहीं हो सकता। तो इस टाइम का पूरा फ़ायदा उठाइए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। जल्द दूसरों को भी बताइए कि फटाफट से हैंडराइटिंग की क्लासेस को ज्वाइन करें और एक अच्छी, अपनी अच्छी हैंडराइटिंग अपनी इम्प्रूव करें, अपनी हैंडराइटिंग को। तो चलिए, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।